SCSI हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के बाद अभी हम चेक करेंगे ये पीसी में डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आप पीसी स्विच ऑन करें। यहाँ पे आपको दिखेगा कार्ड डिटेक्ट कर रहा है, कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे SCSI कंट्रोलर कार्ड की इसके BIOS में ये सेटिंग्स हैं, आप ऊपर में देख सकते हैं AHA2940U2W जो उसका अडाप्टिव कार्ड का नंबर है, मॉडल नंबर है। अब इसमें दो ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर /view होस्ट अडाप्टर सेटिंग्स और SCSI डिस्क यूटिलिटी। तो आप पहले SCSI डिस्क यूटिलिटीज में जाएं और उसे एंटर करेंगे तो ये कितने IDs और डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसको स्कैन करके आपको रिजल्ट बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग करने के बाद SCSI ID 0 में आपका IBM का हार्ड डिस्क जो हमने SCSI हार्ड ड्राइव कनेक्ट किए थे ID 0 पे कोई जम्पर बिना लगाए तो ये ID 0 में डिटेक्ट कर रहा है। ये फास्ट अल्ट्रा AC ड्राइवर है। और आप नेक्स्ट में कोई भी डिवाइसेस नहीं है, यहाँ पे ID 7 पे आप आते हैं, यहाँ पे AHA2940U2W जो आपका SCSI कंट्रोलर कार्ड है वो डिटेक्ट कर रहा है। इससे हम क्लियर हो सकते हैं कि आपका SCSI कंट्रोलर कार्ड जो कि ID 7 पे फर्स्ट प्रायोरिटी उसे मिलती है। उसके बाद ID 0 जो होता है जो हमने IBM के हार्ड ड्राइव कनेक्ट किए हैं वो आपको बूट डिवाइस होता है। इस तरह से आप SCSI कंट्रोलर कार्ड कनेक्ट करके आप अडाप्टिव कार्ड का BIOS में जाके इस तरह से SCSI ड्राइव को डिटेक्ट करवा सकते हैं।